जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है अपने पास चैप्टर नंबर फर्स्ट के फोर्थ टॉपिक से, और पहला एक्सरसाइज है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, और न्यूमेरिकल क्या है। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, एक व्हील है जिसका डायमीटर कितना है, जो कह रहा है वो करते चलो, डायमीटर कितना है उसका 2 मीटर है। अगर डायमीटर 2 मीटर है बेटा तो इसकी रेडियस कितनी होगी बताइए, रेडियस कितनी होगी इसकी, तो रेडियस इसकी 1 मीटर होगा, और इस पॉइंट को कह रहे हैं कि ओ है। ये पॉइंट ओ है, कह रहा है कि फिगर में दिखाया गया है, अच्छा ये फिगर में दिखाया गया है, और एक्सेल इसका जो है वो फिक्स पॉइंट जो है उसका नाम ओ है। कह रहा है इस पर एक फोर्स लगा हुआ है 2 न्यूटन का, एक फोर्स लगा हुआ है और 2 न्यूटन का ये फोर्स लगा हुआ है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है किस तरीके से लगा हुआ है। तो कह रहा है कि 2 न्यूटन का, और बी इन द डायरेक्शन ऑफ द सोन इन द फिगर कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है अबाउट द सेंटर ऑफ ओ, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ ओ के रिस्पेक्ट में हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि ये पाइवटेड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना होगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितने का लग रहा है बताइए जरा, 2 न्यूटन का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, ये ऐसे घूम रहा है तो फोर्स ऐसे लगा, और अगर ये पार्ट ये बॉडी ऐसे घूम रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, इस तरीके से है, और फोर्स ऐसा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर का हो गया, तो ये 1 मीटर यहां लिखना है, कितना लिखना है 1 मीटर लिखना है, तो कितना आ गया आंसर 2 न्यूटन मीटर, इसका क्या आया मोमेंट ऑफ फोर्स आया, किसके अबाउट आया है बेटा, ये किसके अबाउट आया है, सेंटर ऑफ ओ के अबाउट आया है, किसके अबाउट आया है, सेंटर ऑफ ओ के अबाउट आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ये पॉइंट ए के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ए। अब जरा देखिए, अब की बार पाइवटेड पॉइंट मेरा ओ नहीं है, ये ए है, क्या है, ये ए वाला पॉइंट है। अब अगर ए वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, और यहां पर फोर्स लग रहा है, फोर्स कहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है, कितना न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और ये वाला पॉइंट अब की बार पाइवटेड है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब देखेंगे तो पूरा का पूरा डायामीटर आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा का पूरा डायामीटर आ जाएगा, तो 2 मीटर हो जाएगा। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही तो है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका डायमीटर ही तो आएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और इसका पूरा का पूरा डायमीटर हो गया। अब ए के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और फोर्स मेरा अभी भी 2 न्यूटन है, अभी भी कितना है 2 न्यूटन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब 2 मीटर हो गया है, टोटल 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, इस फोर्स ने क्या किया है, इस बॉडी को ऐसे रोटेट कराया है, और ऐसे रोटेट कराया है तो ये क्या होगा जी, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट। और यहां पर देखो जरा, यहां पर ऐसे अगर घुमाया इसने तो भी तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका भी कितना हो जाएगा जी, ये भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका ये भी एग्जाम आंसर हो जाएगा, ठीक है।